बंगाली में कहावत है, नीलेर घरे दिए बाती जल खाओगो पुत्रवती। गुड मॉर्निंग। आज है नील पूजो, नील उत्सव। आज शिव जी का दिन है। सो आज सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी जस्ट कुछ देर बाद नहाने जाऊंगी, सोचा आपको गुड मॉर्निंग बोल के फिर जाती हूँ। अभी बजा है 7:00 और थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो 7 बजा है अभी। और मैं 8:00 मंदिर जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे शिव जी की रुद्राभिषेक करानी है और थोड़ा संकल्प भी करवानी है, ये सब है। तो मैं 8 बजे तक मंदिर चली जाऊंगी और उससे पहले थोड़ा सा जुगाड़ करके जाऊंगी। सोच रही हूँ अगर घर का पूजा दे सकती हूँ तो करके जाऊंगी। आज के दिन हमारे गांव में बहुत ज़्यादा धूमधाम से पूजा की जाती है। शिव जी का पूजा है और उसके साथ साथ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा एक्चुअली हमारे घर में, मतलब हम मुखर्जीस हैं तो हमारे घर में सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद बाकी लोग शिव पूजा कर पाएंगे। तो ऐसा एक रिवाज है। अगर पापा कुछ क्लिप्स भेजते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? देखना, जब सुबह से आपको नींद से जगते ही लगता है आज ये वो बहुत सारा काम है सर पे, एक के बाद एक सब कुछ करना है, तो ना कुछ देर आपको पीस चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए सोचने के लिए कि कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे। सो वही मैं अभी बैठ के सोच रही हूँ कि एक तो मुझे टेम्पल जाना है, पूजा करवानी है, दूसरा एक बड़ी शिवलिंग पे पानी डालती हूँ, जल चढ़ाती हूँ तो वो करना है, फिर उसके बाद घर की पूजा करनी है, वो ऑफिस जाएंगे। तो ये सब मैं बहुत कुछ एक साथ सोच रही हूँ कि कब क्या करूँगी, ठीक है? तो और उसके बाद सब कुछ आपके साथ शेयर भी करना है थोड़ा थोड़ा करके, मुझे अच्छा लगता है। सो चलो आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। अभी सुबह का टाइम है तो गीज़र भी ऑन किया है मैंने, तो चलो नहा के फिर आती हूँ। बस नहा के जा रही हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा लेट हो चुका है। हेलो, मंदिर से घर जा रही हूँ वापस। और पता है आज मंदिर में एक अंकल ने मुझे ये दिया है, एक बंच ऑफ मोर पंख, उन्होंने बोला है टेंपल में रखना अपना, तो सडनली मिला, अच्छा लगा, क्यों दिया पता नहीं। सो चलो अच्छा है, आज दे दिया, मैं रखूँगी घर में। अच्छा, ये आकुंद फूल भी एक तोड़ लेती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया मोर पंख। कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 6 7 8 8 पीस है। मैंने तो सुना है रखना अच्छा होता है, लेकिन मुझे तो गिफ्ट में मिला है। चलो कोई बात नहीं, आज अच्छा दिन है और खुद मुझे मिला है तो अच्छा ही होगा, रख दिया है इधर। करूँगी घर पे पूजा, आज गुरुवार भी है और साथों साथ आज नील षष्ठी भी है, तो थोड़ा अच्छे से पूजा कर लेती हूँ शिव जी का भी महालक्ष्मी का भी, फिर उसके बाद एक बार टेंपल जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने हाथों से जल चढ़ानी होती है। मेन टेंपल में जल चढ़ाने नहीं देते। तो अभी मैं जाऊँगी, देखो धूप कितना तेज़ है, अभी 8:30 बजा है। सो चलो कर लेती हूँ पूजा झटपट। चलो आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ, क्यों आज के दिन हम नील षष्ठी के हिसाब से मनाते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। वैसे पुराण के अनुसार आज के दिन महादेव मतलब नीलकंठ के साथ नीलावती या फिर नील चंडिका की शादी हुई थी, तो यही है असली रीज़न। और उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि दक्ष यज्ञ में अपनी स्वामी की अपमान सहन ना करते हुए जब सती ने अपना प्राण त्याग दिया था, उसी टाइम पे नीलध्वज बोल के एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया था और नाम हुआ था नीलावती। बाद में उसी नीलावती के साथ राजा नीलध्वज ने शिव जी की शादी करवाई थी और इसीलिए आज के दिन नील पूजा या फिर नील उत्सव मनाया जाता है। दूर गांव में आज के दिन चरक मेला बैठता है चैत्र संक्रांति में और गाजन उत्सव भी मनाया जाता है। आज मैं शिव जी के लिए स्पेशल फूल लेके आई हूँ, ये रोज रोज मिलता नहीं है, तो आज इनके लिए स्पेशल। आज ना हम शिव जी को एक मैंगो चढ़ाते हैं, मतलब ये ऐसे डंडा समेत ये शिव जी के पास में ही मैं रख देती हूँ कुछ ऐसे।
करो ठाकुर। भाई तो पूजा हो गया है, ये देखो आज अच्छे से सजा लिया है भगवान जी को। बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, तो धीरे 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 पूजा कर लिया। कैसा लग रहा है आप बताना जरूर। वो अच्छे से शिव जी को एकदम फूलों से ढक दिया आज। चलो टेंपल में आ गई हूँ, वो अच्छे चले गए हैं मुझे टेंपल मंदिर में छोड़ के। चलो जल चढ़ा के आते हैं। हर एक फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कहानी तो छुपा हुआ है। हर एक के पास कहानी भी अलग अलग है। मेरे लिए एक ही चीज़ है, आज मौका मिला है शिवजी की सेवा करने के लिए, तो अपने मन से जितना हो सका मैंने किया। मुझे अच्छा लगा, मेरे मन को शांति मिली है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय नंदी महाराज। तो धूप दीप अगरबत्ती फूल फल के साथ आज शिवजी की पूजा कुछ ऐसे संपन्न हुआ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, आज मंदिर एकदम खाली था, एकदम चुपचाप शांत। अपने मन के हिसाब से बहुत देर तक मैं उनके साथ बिताई। हो सकता है आपके साथ मेरी पूजा पद्धति ना मिल पाई हो, लेकिन एक बात तो आप एग्री करोगे ना, मन की शांति सबसे बड़ी बात होती है ना। तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही है, इधर पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जस्ट अभी भी पूजा कंप्लीट हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। आज एकदम खाली खाली है इस टाइम पे, पता नहीं पहले कोई पूजा देके गई है शायद, इसके बाद भी आना शुरू हो जाएगा। सो ये देखो पूजा कंप्लीट, घर का भी पूजा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ा दिया है। अभी घर में पूजा चल रही है, मैं छोटा छोटा पापा क्या भेजेंगे फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी भेजते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। तो अभी चलो चलते हैं घर, अच्छा लगा एकदम, मन एकदम शांत हो गया। सो लेट्स गो होम, थोड़ा घर का काम भी है वो सब निपटा लेती हूँ। चलो मेरे साथ, शिव जी के ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं है, एकदम खाली था, मैंने चढ़ा दिया आम उनके ऊपर। बंगाली में कहावत है, नीलेर घड़े दिए बाती जल खाओगे पुत्र होती, मतलब नील के द्वार पे, मतलब नीलकंठ के द्वार पे दीपक जलाने के बाद आप पानी पी सकते हो। वैसे मैंने सुबह से पानी पिया नहीं, एकदम निर्जला किया है, तो अभी जाके पानी पीऊँगी। ये देखो ये है दीपक, यहाँ पर मैंने जला दिया है एकदम सामने। चलो घर चले, कितना शांति है ना यार, छाओ छाओ एकदम बैठी रह सकती हूँ पूरा दिन। चलो लेट्स गो होम बाबा, बाहर जो तेज धूप है ना, पेड़ के छाओ तले से निकलोगे बस धूप। आन की ब्रेकफास्ट, अनु ब्रेकफास्ट करो। थैंक यू। बनाना दो राइनिंग बैठ के, उसने ये झोला और ये बैग संभाला है, ठीक है। नेक्स्ट वो यही न्यू थिंग्स लेके जाएगी, ये उसका आर्ट का बैग है और ये किताबों का। तो मैंने भी साबू भिगोया है कल रात को, आज वही खाऊंगी बनाना मिल्क ये सब के साथ अच्छे से। आनू खाएगी तू? उसको नहीं पसंद, तो मैं खाऊंगी। लेकिन उससे पहले घर की पूजा जो है कंप्लीट हो जाएगी, पापा मम्मी कॉल करेंगे बोलेंगे, तो उसके बाद ही खाऊंगी, ठीक है। तो अभी कुछ देर बैठती हूँ आराम से फैन के नीचे, फिर बाद में आपसे मिलूं। आगे भूसी माटी से ये कर, जस्ट अभी अभी घर से पापा ने वीडियो कॉल किया था, वो घर पे धूमधाम से पूजा चल रही है। मैंने भी पूजा देख लिया, आनू ने भी देख लिया, आनू नहाया भी नहीं। आनू चैप्टरटा पूरे स्नान करे ने सर, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ आपसे। शिव जी के सामने दिया जलाया था ना,
अभी भी जल रहा है सी। अभी ना थोड़ा थोड़ा प्यास लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है इधर। कोई टेंट के अंदर बैठ गई, लंच वंच करके एकदम फिट होके घुस गई अंदर। मैं जाऊं? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं इधर लेट गई एकदम उसके सामने। कितनी जगह पे फैन ऑन करूं, बस यहाँ पे फैन ऑन करके चुपचाप सोई हूँ। घर पे अभी भी पूजा चल रही है, पता है। पोस्चर चेंज, ये बाहर आ गया, ये अंदर है अभी तक। स्प्रे लेके आई हूँ एकदम बनवा के रेडी करके, 2-3 साल तक रख सकते हैं ऐसा बोला है, लेकिन मेरा तो खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा कीड़ा हुआ है। ये हो गया आज का हमारा डिनर, पराठा, एक मिक्स वेज और गुड़। इसके साथ आज का व्लॉग होगा एंड, आपसे मिलूंगी कल नए ब्लॉग में।